अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लॉक्स के बारे में, कैसे सिस्टम का करंट टाइम हम शो करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो अभी हमने बिल्कुल सिंपल बेसिक तीन विजिट्स व्यूज लगा के देखे हैं कि टाइम शो कैसे करवाना है। अभी हमने उसको कस्टमाइज़ नहीं किया। तो कस्टमाइजेशन इस वाले से हो सकती है कि जैसा कि ये टेक्स्ट क्लॉक है आपकी, इसमें अभी मिनट्स आ रहे हैं, आवर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसी के अंदर आप सेकंड्स ऐड करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेट की प्रॉपर्टी बेसिकली होती है, फॉर्मेट 12 आवर है और 24 आवर है। तो 12 आवर में ओबियसली 12 के बाद 1 बजेगा और इधर 12 के बाद 13 बजेगा 24 में। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, बस होगा ये कि अभी आपको 12:28 नज़र आ रहा है। तो अगर मैं 24 आवर में इसको कर देता हूँ फॉर्मेट में, तो ये आपको नज़र आएगा जी, बल्कि ये तो 12:28 ही नज़र आएगा, एक घंटे बाद आपको 13:28 नज़र आएगा। तो फिलहाल हम 12 आवर में ही फॉर्मेट करके देखते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेट इस कैसे होती होती है, यहाँ पे हम ना डेट स्ट्रिंग लिखते होते हैं, टाइम स्ट्रिंग, जहाँ पे HH जो होता है वो बेसिकली आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद जो MM है वो मंथ के लिए है, सॉरी मंथ कह रहा हूँ, मिनट्स के लिए है। ऐसे ही मंथ के लिए भी होता है, लेकिन वो कैपिटल MM यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक डेट स्ट्रिंग भी होती है फॉर्मेट की, एक टाइम स्ट्रिंग होती है। तो अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे MM लिख देते हैं और अगर आपको सेकंड्स भी चाहिए तो SS लिखते हैं, ठीक है। इसको हम रीरन करके देखते हैं। ओके, तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं सेकंड्स भी आ गए हैं और हर सेकंड के साथ सेकंड बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। अब साथ में AM PM भी आ रहा था, तो अगर वो भी आपने शो करवाना तो उसके लिए जस्ट ये A, ठीक है, ये वाला लेटर आपने लगाना होता है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है AM को या PM को। तो इसके साथ अगर आप चलाएँगे तो AM या PM भी आ जाएगा। ऐसे ही जो हमारी एनालॉग क्लॉक है, तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, जैसा कि कलर्स हैं, डायल का टिंटम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर इसमें कोई प्लेस करना है, मींस अभी तो वाइट वाइट आ रहा है, तो इसमें अगर कोई कलर करना है, जैसा कि ये ब्लैक वाला मैं पास कर देता हूँ, ले जी ब्लैक हो जाएगा पूरा डायल। और इसी तरह से ये जो इसके हैंड्स आ रहे हैं, हैंड्स को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज इनमें दे सकते हो, ठीक है। जैसे आवर्स वाला हैंड है, तो इसको कह लेते हैं कि जी ये चले वाइट ही रखते हैं, और हैंड जो है हमारा मिनट वाला, इसको कोई और कलर दे देते हैं, ये पर्पल दे देते हैं, ठीक है। वैसे इधर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, चलो चला के चेक करते हैं इसको जी। ये तो बिल्कुल गायब हो गया। हैंड्स को हमने देने थे टिंट, टिंट की बजाय हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही बेसिकली कलर पास कर दिए। वो उनकी एक्चुअली बैकग्राउंड्स के लिए थे कि आप कोई अपनी मर्ज़ी की कोई इमेज सेट करना चाह रहे हैं हैंड के तौर पे, तो वो भी कर सकते थे। तो अभी मैंने ये टिंट दिया है, तो ये टिंट एज अ कलर शो होगा। इधर सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन व्यू में नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, अब आप अगर इधर लेके आए ना इस प्रॉपर्टी के ऊपर, कर्सर को मैं लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ये देखने को मिलेगी डिस्क्रिप्शन, क्या कह रहा है कि जो ये एट्रीब्यूट आपने टिंट का यूज़ किया है, ये सिर्फ यूजेबल है जी एंड्रॉयड API लेवल 31 और उसके हायर डिवाइसेस में। तो करंटली हमारा 21 है, और ये बेसिकली जो मोबाइल जिस पर मैं रन कर रहा हूँ, इसका एंड्रॉयड लेवल जो है अपना 10 है। तो ये आई थिंक 11 से स्टार्ट हो रहा है, 31 API लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगी। अब आप जैसे देख सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टीज नॉर्मल हैं बिल्कुल, लेकिन इन पे ये वार्निंग आ रही है, ठीक है ना, हाईलाइट हुई हुई है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जब भी यूज़ करनी है तो चेक ज़रूर कर लेना है कि ये कहते क्या हैं, ठीक है। तो ये छोटी डिवाइसेस पे तो बिल्कुल इसने काम नहीं करना, और जो इन्होंने मिनिमम API लेवल बताया हुआ उससे ऊपर ही ये प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी। तो उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।